नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं असम राइफल्स ने कुछ टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, पे आउट और सिलेबस क्या रहेगा आदि कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं असम राइफल्स की। तो असम राइफल्स जो है ये CAPFS के अंतर्गत ही आता है, जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, जैसे कि ITBP। और असम राइफल्स जो होता है, भारत में म्यांमार की रक्षा करने के लिए इस बल का गठन किया गया था 1835 में। और यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इसी जगह पर अपनी सेवाएं देनी होगी। और ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो आप भारत में कहीं से भी हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, यहाँ पर आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है, यहाँ पर 6 जून से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और इसमें दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं 20 जुलाई तक रात को 11:59 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन जो फ़ीस है ये आपको पे करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो ग्रुप वी की जो वैकेंसी है उसमें 200 रुपये रखी गई है, और ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है। तो आगे देखें कौन सी वैकेंसी ग्रुप बी की है और कौन सी वैकेंसी ग्रुप सी की है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो आपका जन्म 1 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया गया है कैटेगरी वाइज, जैसे कि SC ST के लिए 5 वर्ष का, OBC के लिए 3 वर्ष का, और यहाँ पर अदर कैटेगरीज के लिए भी आप देख सकते हैं। तो आप मैक्सिमम एज में, जैसे कि यहाँ पर SC ST की बात करें तो 1 अगस्त 1999 यहाँ पर जो बेसिक एज लिमिट रखी गई है, इसमें आप 5 वर्ष और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप 1 अगस्त 1994 में यदि आपका जन्म हुआ तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और OBC वाले 1 अगस्त 1996 में यदि आपका जन्म हुआ तो आप 1 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2004 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई दोस्तों एज लिमिट की बात। आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या लिमिट यहाँ पर रखी गई। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो आपका टेस्ट होगा, इसमें आपको देखिए सबसे पहले मेल कैंडिडेट की हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंड, और एक्सपेंड करके मतलब फुला के आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा ST कैटेगरी है, सिर्फ ST कैटेगरी। ST कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, जैसे कि हाइट 162.5 सेंटीमीटर हो सकती है, और चेस्ट 76 सेंटीमीटर, और फुल एक्सपेंड करने के बाद में 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो नायाब सूबेदार, देखिए इसमें कितने प्रकार की वैकेंसी है, नायाब सूबेदार की वैकेंसी है, इसके अलावा हवलदार क्लर्क की वैकेंसी है, और भी कई राइफलमैन की वैकेंसी है, तो और भी कई प्रकार की वैकेंसी है जिन्हें हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए और फिजिकल स्टैंडर्ड में बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड नायाब सूबेदार ब्रिज एंड रोड के लिए, यदि आपका ब्रिज एंड रोड में सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नायाब सूबेदार में जो हाइट है 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट होना चाहिए आपका 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर विद एक्सपेंड, और फीमेल के लिए चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं किया जाता है फीमेल के लिए। यहाँ पर दोस्तों ST कैटेगरी की बात करें तो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट मेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर, और चेस्ट 76 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने के बाद में 81 सेंटीमीटर चेस्ट फीमेल के लिए, यहाँ पर भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड हवलदार की बात करते हैं। तो देखिए हवलदार में जो मेल कैंडिडेट हैं 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट ओनली 77 सेंटीमीटर विद एक्सपेंड 82 सेंटीमीटर। इसके अलावा आप देख सकते हैं ST कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन के बाद में ये स्टैंडर्ड यहाँ पर सेट किए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं और राइफलमैन की बात करते हैं। तो देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और पैरामिलिट्री फैमिली के लिए ये राइफल्समैन के लिए है, ठीक है।
यहाँ पर देख सकते हैं आप वीडियो को पोस्ट करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद में यदि आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में और स्किल टेस्ट में यदि आप पास हो जाते हैं तो रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा और फिर लास्ट में क्या होगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद में रिटन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद में मेडिकल और फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार यहाँ पर की जाएगी। तो ये हो जाती है सिलेक्शन प्रोसेस। और यहाँ पर दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। ट्रेड ब्रिज और रोड के लिए जो नायब सूबेदार हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। जो क्लर्क है तो क्लर्क के पास 12th पास आपको किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। साथ ही साथ जो टाइपिंग है स्किल टेस्ट में आपसे टाइपिंग कराई जाएगी और टाइपिंग आपके इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। 10 मिनट का आपको टाइम जो है टाइम दिया जाएगा टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और सभी के लिए आप इनके लिए इंटरेस्टेड हैं जिस भी पोस्ट में उसकी आप क्वालिफिकेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके अलावा ये किस राज्य में कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, इसने भी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछे, पर्सनली रिप्लाई आपको वहां पर मिल जाएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।